किया वीडियो देखने से पहले वीडियो को लाइक करें राम टीवी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें शुक्रिया दीन हनीफ के तहत आज हम आपके सामने हदीस पेश कर रहे हैं मोसनद की मोसनद अहमद की हदीस है और मरवी है की रसूल का अर्शाद हैल मुआना यानी नहीं है सुनी हुई सुन बात देखी हुई बात की तरह यानी सुनी हुई बात देखी हुई बात की तरह नहीं है यह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मतलब कि जब इंसान कोई बात सुनता है तो उस सुनी हुई बात का वो तासर इंसान के कलब पर जाहिर नहीं होता जो उसको देख ले तो जो तासर जाहिर होता है इसलिए फरमाया कि सुनी हुई बात जो देखी हुई बात की तरह नहीं है और इसी हदीस में आगे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिसाल पेश फरमाते हैं हज़रत मूसा सलातम की और फरमाते हैं कि इन तखबार मूसा कि अल्लाह तबारक वताल ने मूसल इस्लाम को ख़बर दी यानी इतला की और ये वाक़ ही हुआ था कि जब मूसल इस्लाम जो कोह तूर पर तशीफ ले गए और अल्लाह तबारक वतााल से हम कलाम हुए और वो एक दस्तूर ज़िंदगी लेने के लिए गए जैसा कि कौम ने मुतालबा किया था और आपने वहाँ पर तीस रोज़ रखे तीस रोज़ों के बाद जो है आपने मिसवाक फरमा ली तो गए कि वो मुँह की बू जो रोज़ेदार की थी वो ख़त्म हो गई तो अल्लाह तबारक व ताल फरमाया कि वो बू तो मुझे मुश्क से ज़्यादा महबूब है लिहाजा तुम दस रोजे और रखो तो यूँ चालीस दिन मूसअ सलाम को रहे उसके बाद तबारक व तौरात की तख्तियाँ दी चालीस जो है तख्तियाँ तौरात की आपको इनायत की गई जिसके अंदर जो है वो मुरतब था मूसअ सलाम को जब तख्तियाँ हवाले की गई इधर पीछे सामरी जो जादूगर था सामरी जादूगर ने जो है वह गौशाला बना लिया बछड़ा बनाया गछड़ा बनाया उस बछड़े की सूर्तयाल यूँ हुई कि सामरी जादूगर ने कहा कि तुम लोगों के कौम को कहा जितना सोना तुम्हारे पास है जो तो फिरौनियों का तुम लोगों ने जो गोया के मालिक गनीमत हासिल किया वो तो सारा का सारा ला के मुझे जमा करा दो मैं तुम्हारे लिए एक चीज़ बनाता हूँ चाचे एक गड्ढे के अंदर सारा जो है वो सोना जमा कर दिया इसे उसको आग लगाई आग लगा के गोया कि सोने को पिघलाया पिघला के उससे उसे एक बछड़ा बनाया एक गौशाला उसे तैयार कर दिया तैयार करने के बाद उससे जो है वो मिट्टी जो हजरत जय जिब्र असलातुलसलाम जिस घोड़े पर तशीफ लाते थे उस घोड़े की जहां जहाँ टाप पे पड़ती थी वहां से ये मिट्टी जमा कर लेता था क्यों हुआ ये था कि ज़िब्र असलात इस्लाम जब तशीफ लाए तो घोड़े की जहां जहाँ टाप पड़ती थी वहाँ घास उग जाती थी उस पर जो है इस सामरी जादूगर ने समझा कि इस जिस जगह इसकी ताप पड़ती है इस जगह की मिट्टी में कोई खास तासीर है वहां वहां से उसने मिट्टी जमा कर ली जमा करने के बाद अब उसने बछड़ा तैयार किया बछड़ा तैयार करके जो है वो उसके ऊपर जो है वो मिट्टी उसके ऊपर फूंक दी जैसे फूंकी, तो वो बछड़ा जो है वो जो है, है जिंदा बछड़े की तरह बोलने लगा टय करने लगा उस पर इसने सारी कौम से कहा कि देखो ये वो तुम्हारा खुदा है ये तुम्हारा खुदा है वह मूसल सलातलाम जो है वो बह गए वो वो खुदा को ढूंढने को तूर पर चले गए जबकि खुदा तुम्हारा तो तु ये इसकी पूजा पाठ करनी है अब जब ये बात कही तो कौम में तीन तरह के लोग बन गए बाज तो वो थे जिन्होंने फ़ौर इस बात को तस्लीम कर लिया और कहा कि हाँ हमारा ये खुदा है लिहाजा उसकी पूजा पाठ में लग गए बाज वो थे जिन्होंने रोका मना किया चुनाची हजार हरून सलात्लाम ने भी कौम को रोका कि ना ऐसा ना करो मूर्ष जो है तोहहीद का पैगाम तुम्हें देके गए और वहाँ अल्लाह तबारक मतारा से तो ज़िंदगी लेने गए तुम उनका इंतज़ार करो और उनकी जो है किसी तरदीद या जो है वो तस्वीर के से पहले तुम कोई ऐसा फैसला ना करो तो कौम जो उनके साथ बिगड़ बिगड़ी और लड़ने को तैयार हो गई तो हरून सलाम ने अपना फरीज़ा जो है उजत ताम करके खामोश हो गए और तीसरे वो लोग थे कि जिन्होंने ना तो पूजा पाठ की और ना जो है वो जो है उसको मना किया तो गए कि वो बिल्कुल जिसको आज की ज़ुबान कहते हैं न्यूट्रल तो वो न्यूट्रल होकर एक तरफ हो गए इधर जो है अज़ब मूसी सलातम पर जो है वो वही आई और उनको तख्तियाँ दी गई तो अल्लाह तबारक व ताली ने उन जो वहाँ पर साँरी ने बछड़ा बना के पूजा पाठ शुरू करवा दी थी और शिर का दरवाज़ा खोल दिया था उसकी इतला अल्लाह ने दी उसी को नबी पाक वसल्लम फरमाते हैं कि लहीसल ख़बर कलमआना कि सुनी हुई बात देखी हुई बात की तरह नहीं फरमाया कि इन अल्लाह तखबार मूसा बिमा सना कौम हो कौम हो तो फरमाया कि मूसलात सलाम को अल्लाह ने ख़बर दे दी उस चीज़ की जो कौम ने किया मतलब ये बशरे की पूजा शुरू कर दी तो ये कहा तो ये जब उनको ख़बर दे दी तो उस वक्त मूसा मूसलात ने सुन लिया अच्छा ये हुआ तो आपको गु़स्सा तो आया लेकिन जो तख्तियाँ ली थी आपने वो गुस्से से फेंकी नहीं क्योंकि वो ख़बर सुन ली सुनने के बाद अब ये आप जल्दी से अपने कौम के पास पहुँचे और वहाँ देखा तो वाकई वो तो पूजा पाठ में लगे हुए हैं अब जब आंखों से ये सब कुछ देखा तो आपकी कैफियत बदल गई आप गज़ब इंतहा को पहुंचा यहाँ तक कि जो तख्तियाँ आपने जो चालीस तख्तियाँ जो है तोरात की ले रखी थी वह ज़मीन पर ज़ोर से फेंकी ज़ोर से फेंकें तो वह तख्तियाँ टूट गईं वो तख्तियाँ टूट गई जैसे बाज रिवायात में आता है सिर्फ सात तख्तियां सेवन तख्तियां उसमें सेफ रहीं बाकी सारी तख्तियां टूट गई तो यह मिसाल देकर नबी करीम अलैहि वसल्लम बताना चाहते हैं कि देखो जब मूसा सलाब ने सुना कि कौम गुमराई के अंदर मुबतला हो गई है तो आपको इतना गजब नहीं आया कि आपने तख्तियाँ उठा के फेंकी हूँ लेकिन जब आप कौम के अंदर पहुंचे और कौम को आंखों से इस तरह करते देखा तो आपकी कैफियत जो है गज़ब की इंतहा को पहुँच गई और आपने तख्तियाँ ज़मीन पर फेंकी और तख्तियाँ उसमें से टूटी यहाँ तक कि सैवन तख्तियाँ बाकी बाकी टूट गईं वो जो सेवन तख्तियाँ थीं बस वही तौरात जो है फिर वो मुरतब हुई और आज तक वो तौरात के वही अववाब चलते हैं <laughs> तो गया कि बाकी तख्तियाँ टूट गई और लिखा कि अल्लाह तबारक व ताल बहुत अव्वल आखिर की बड़ी मालूम उन चार ही तख्तियों में जमा कर रखी थी कि अगर जो है मूसा सरात ना फेंकते हो ना टूटती तो मज़ीद बहुत सी मालूम जो है ए, 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 उम्मत को हासिल होती तो खैर तो देखो ये मिसाल नबी पाक सलोली वसलम इसलिए दी कि दो तो जो ज़ायन होता है इंसान मुशाह जो आंखों से करता है उस वक्त इंसान की कैफियत अलग होती है इलम की और वैसे इतलाब मिल जाए तो उसकी कैफियत अलग होती है यही वजह है यही वजह है कि इलम के तीन दर्जे हैं एक इलमालय दूसरा आनुलयीन और तीसरा हक़लयी सबसे अधना दर्जा यकीन है यानी आपको खबर दी किसी ने कुछ बताया आपको कोई चीज़ का इलम हासिल हुआ मसलन आग जलाती है आग जलाती है ये आपको जो है इल्म यकीन तो आपको यकीन के दर्जे में इस बात का इलम है कि आग जलाती है लेकिन आपने उसका मुशाह और मुआइना नहीं किया अब आपने कागज़ लेकर आग के अंदर डाला तो कागज़ आग में जल गया अब जलते हुए आपने देखा तो अब उसके यकीन का दूसरा दर्जा ये आनुलयी आन कहते हैं आँख को कि आँख के साथ आपने यकीन किया मुशाह कर लिया देख लिया गए कि वो सामने आ गया और तीसरा जी आपने क्या किया अपना हाथ आग के अंदर डाला जब हाथ डाला तो हाथ जला और आपने जल्दी से खींचा तो इसको कहते हैं हक्ल यकीन यानी एक्सपेरिमेंट हो गया तजर्बा हो गया आपको कि यार वाकई आग जलाती मैंने हाथ डाला तो आग ने मुझे जलाया तो ये इलम के तीन दर्जे हुए एक मुलयक़ीन दूसरा यकीन और तीसरा हक़ यकीन तो ये तीन दर्जे तो बिल्कुल इसी तरीके से दुनिया के अंदर जो अल्लाह अल्लाह के रसूल ने हमें जो कह रखा है ये जो है इमुलब यानी इल्म गैब जो है जो अल्लाह तबारक व ताली हमें जो पहुँचाते हैं गैब की यानी ख़बरें हमें देते हैं हम उस पर ईमान बिल लाना है ईमान बिल गैब यानी जन्नत है दोजक है हम ईमान बिल गैब ले आए अब जन्नत देखी नहीं है यानी यानि यकीन नहीं हुआ जानुम देखी नहीं है यकीन नहीं हुआ इसी तरीके हक़ुल यकीन नहीं है लेकिन इमरयीन लिहाज़ा दुनिया के अंदर है, जो है ईमान बिल गैब जो यक़ीन के दर्जे में इंसान को जो है वो कबूल करना होता है लिहाजा वो ये कहता है कि आमंतबिल्ला ही व मलाकती ही वतुब ही व रसुल तो ये है कि तमाम जो है ये किताबों पर तमाम जो है फरिश्तों पर मैं ईमान लाता हूँ हालांकि फरिश्ते देखे नहीं जन्नत दो पर आखिर पर ईमान लाता हूँ मरने के बाद दोबारा ज़िंदा होने पर ईमान लाता हूँ तो ये सब तो लिहाज़ा अम्बिया कराम आलम सलात वसलाम आकर जब दावत हक़ देते हैं तो उम्मत यकीन के दर्जे में उस पर ईमान ले आती है फिर कबर हशर में जब पहुँचेंगे तो हशर में जो यकीन ये आंखों से देख लेंगे वो वाकई कबर के अंदर जो है वो जन्नत की खिड़की खुल गई जहन्नुम की खिड़की खुल गई और वाक़ ये सारे मुनकर नक़ीर आ गए सवाल जवाब शुरू हो गया हैं तो ये तो ये अनयीन हाशर के अंदर पहुंचे कि वहां पर जो है सब हकीकत खुल जाएगी ये जन्नत है ये दोजा है ये फैसले हो रहे हैं हक और सच के तो ये यकीन और उसके बाद जो है जब जन्नत दोजा का फैसला हो जाएगा जन्नत ही जन्नत में दाखिल हो जाएंगे जानम जन्नत में धकेल दिए जाएंगे तो ये यह यकीन यानी खुद तजर्बा हो गया कि वाकई हम जन्नत के अंदर दाखिल हो गए वाकई जानम के अंदर जो है वो जलाए जा रहे हैं तो ये हक यकीन तो ये तीन दर्जे हैं तो दुनिया के अंदर ईमान बिल बिलगैब की बुनियाद यकीन है कि अम्बिया करामलात वसलाम जब दावत हक़ दें अल्लाह अल्लाह के रसूल की जब बात पहुँचे तो बस वो आप उस पर यकीन कर लें कि हाँ ऐसे ही है जैसे कि रसूलुल्लाह ने फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसे कि अल्लाह ने शाद फरमाए क़रन में हकीकत ऐसे ही है अब हमारी अक्ल से बाल तर हमें समझ में न आए तो उसके जो है हमारी अक्ल का फतूर है अल्लाह तबारक की वही और उसका पैगाम बिल्कुल बरहक है तो ये ईमान जब मोम में लाता है तो ज़ाहिर है कि इंसान क़ब्र हशर के अंदर फिर जो है एनुल यकीन आंखों से देखता है कि वाकई जन्नत की खिड़ खिड़कियाँ खुल गई अल्लाह के रजा मिल रही है फिर आखिरत के जन्नतों के अंदर दाखिल होता है तो फिर उसको जो है हकुल यकीन हो जाता है कि वाकई ये जन्नत और ये जन्नत की नीमते हैं इसलिए नबी करीम अलैहि वसल्लम ने इशारा फ़रमाया कि लहीसल ख़बर कल मुआनत क्योंकि एक असूल ज़िंदगी बताया कि सुनी हुई बात जो है वो देखी हुई बात की तरह नहीं होती देखी हुई बात का गह के दर्जा बुलंद और ये का यकीन ज़्यादा हो जाता है तो यही पहली बात है कि मुशाह मुशाह जो है वो इंसान जब हासिल करता है तो उसकी जो है वो उसकी यक़ुन की ताकत और बढ़ जाती है और फिर जो है एक्सपेरिमेंट कर लेता है तजर्बा कर लेता है तो यकीन के दर्जे को पहुँच जाता है तो इसलिए नबी पाक अलैहि वसल्लम ने इस हकीकत को तो वाजे किया तो दुनिया के अंदर भी इंसान पर यही अहवाल तारी रहते हैं कि सुनी हुई बात का वो तासुर नहीं होता कि देखी हुई बात का होता है और दुनिया के अंदर इंसान ईमान भी ग़ैब जो है वो जो है क्योंकि सुनी यानी ख़बर ख़बर यानी ख़बर जो है नबा ख़बर को कहते हैं नबी को नबी इसलिए कहा जाता है कि वह गैब की खबर देता है गैब की खबरें जब देता है नतीजा ये कि इंसान उस गैप पर ईमान लाता है और ईमान लाकर अल्लाह तबारक व के सुरगुर होता है अल्लाह फिर उसको यकीन भी करा देते हैं और यकीन तक पहुँचा देते हैं अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह तबारक व ताली अमल करने की तोफ़ी अता फरमाए आमीन या रबालमीन